हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सोमेन मोस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें कि आज हम ओवरहैंगिंग बीम के एसएफडी एंड बीएमडी की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के एसएफडी बीएमडी की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस देख चुके हैं, कैसे हम उनके एसएफडी बीएमडी बनाते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओवरहैंगिंग बीम के एसएफडी एंड बीएमडी की। तो ओवरहैंगिंग बीम आप सभी जानते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ओवरहैंगिंग बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके दोनों सिरे या फिर कोई एक सिरा सपोर्ट से बाहर निकला होता है। जैसे कि मैंने यह क्वेश्चन दिखा रखा है आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका ए सिरा तो सपोर्ट पर ही है, लेकिन इसका जो सी वाला सिरा है ये सपोर्ट बी से बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ से ये 2 मीटर बाहर निकला है, तो जब बाहर निकला होगा सपोर्ट से कोई भी एक सिरा या फिर दोनों सिरे, तो उस बीम को हम कह देंगे ओवरहैंगिंग बीम। तो पहली चीज़ ओवरहैंगिंग बीम पहचान लेंगे कौन सी होती है, ऐसी बीम जो एक सिरे पर सपोर्ट से बाहर हो या फिर दोनों सिरे पर सपोर्ट से बाहर हो, तो उस बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। इतना क्लियर। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स में आपके बीटी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे डेफिनेशन को। तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है आपका ये डेफिनेशन है, नति परिवर्तन बिंदु की, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको बाद में रीड कीजिएगा, पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई कैंटिलीवर बीम बना ली, ये कोई कैंटिलीवर बीम है और इसके मुक्त सिरे पर यहाँ पर मैंने पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा दिया। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो हम सब ने पढ़ा था इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर बना था। मैं शियर फोर्स की नहीं कर रहा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर रहा हूँ। इस तरह से बनता है जो कि नेगेटिव था, ठीक है। यहाँ पर एल लंबाई है, डब्ल्यू इंटू एल टोटल बेंडिंग मोमेंट, डब्ल्यू एल आता था यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर मैं इसी तरह से कोई सिंपली सपोर्टेड बीम ले लूँ, कैसी बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसके मिड पॉइंट पर मैंने डब्ल्यू लोड लगाया, तो इसका हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा था कैसा बना था, ये भी ट्रायंगुलर फॉर्म में ही बना था, ट्रायंगल की फॉर्म में, बट यहाँ पर इस तरह से बना था, ये ऐसे ये पॉजिटिव बना था और यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा WL/4 आता था, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि कैंटिलीवर बीम पर जो हमारा बीएमडी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो नेगेटिव है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो पॉजिटिव है। अब इस पर चाहे यूडीएल आए या फिर आपका पॉइंट लोड आए, ये इसी तरह डायग्राम बनते थे, है ना। यूडीएल आता था तो यहाँ पैराबोला बन जाता था, यहाँ भी पैराबोला बन जाता था। मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि कैंटिलीवर बीम में और सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चिन्ह नहीं बदलता। अगर माइनस है तो पूरा डायग्राम माइनस रहेगा, प्लस है तो पूरा डायग्राम प्लस में ही रहेगा, जबकि शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर देता है। और आपको ये भी बताया गया था कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम यानी एसएफडी जिस पॉइंट पर अपना साइन चेंज करता है, उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। बट अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बीएमडी की, तो बीएमडी कैंटिलीवर में साइन चेंज नहीं कर रहा, सिंपली सपोर्टेड में साइन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा, ये बीएमडी साइन चेंज करेगा। आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, आप देख लीजिएगा वहाँ क्या होगा, बीएमडी का साइन चेंज होगा ओवरहैंगिंग बीम में। और जैसे आपके सामने ये बीम है, अगर मैं इसका बीएमडी बनवाऊंगा आपको, जस्ट अभी थोड़ा सा वेट करें, तो जब हम इसका बीएमडी बनाएंगे ना, तो इस तरह से साइन चेंज करेगा, ऐसे आएगा पहले फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से ऐसे बनेगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। आपको बना के दिखाएंगे, इसका कुछ भी बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा ना बीएमडी, वो अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, बीच में इस एन पॉइंट पर साइन चेंज कर रहा है, मैंने एन मान लिया सपोज इसको, तो यहाँ पर जो ये एन पॉइंट है ये वाला, जहाँ पर कि बीएमडी ने साइन चेंज किया, माइनस से प्लस हुआ है या फिर प्लस से माइनस हो, तो जिस पॉइंट पर भी बीएमडी अपना साइन चेंज करता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर। समझ पा रहे हैं, नति परिवर्तन बिंदु, या फिर दूसरा नाम इसका नमन परिवर्तन बिंदु भी होता है। नमन परिवर्तन बिंदु मतलब है जहां पर बेंडिंग मोमेंट, नमन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो यही मैंने यहां लिखा हुआ है, क्या, बीम के जिस पॉइंट पर बीएमडी अपना चिन्ह बदलता है यानी साइन चेंज करता है, उस पॉइंट को नति परिवर्तन बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर, या दूसरा नाम भी है इसका इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर कोई पूछेगा, बिल्कुल आंख बंद करके बता दीजिएगा आप, क्या, कि बीम का एक ऐसा बिंदु जिस पर बीएमडी अपना साइन चेंज करता है, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर कहते हैं। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा,
हमेशा बीएमडी जिस पॉइंट पर साइन चेंज करेगा उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, एसएफडी साइन चेंज करेगा उसको नहीं कहते, उसको कहते हैं कि उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, लेकिन जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा उस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्लियर सभी को? एक और चीज नोट में लिखी है, इसका यूज होगा क्वेश्चंस में, कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि इस लाइन पर आ रहा है ना ये, यहाँ जीरो होता है, यहाँ इस लाइन पर जो जो पॉइंट मिलेंगे सब जीरो होंगे, यहाँ पर जीरो होगा बेंडिंग मोमेंट। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर केवल ओवरहैंगिंग बीम में ही मिलता है, ठीक है, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड में ये नहीं मिलता। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक जगह मिला था सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यहाँ पर हमने कपल लगाया था, तो वहाँ पर बीएमडी का डायग्राम भी हमारा प्लस माइनस दोनों में आ गया था, तो वहाँ भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर था, लेकिन अधिकतर केस में ये ओवरहैंगिंग बीम में ही मिलता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो याद रहेगा आप सभी को, तो क्या याद रखेंगे आप? याद रखेंगे बीम के जिस पॉइंट पर बीएमडी अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो मैं इस डेफिनेशन को रफ करने जा रहा हूँ और आप क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और आपसे कैलकुलेट भी कराएगा कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की स्थिति बताइए कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है। तो हम सब कुछ देख लेंगे, बस आप ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा सामने। चलिए, अब आपसे कहा गया कि ये क्वेश्चन है कोई भी, और इसके लिए आपको एसएफडी बीएमडी खींचना है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की स्थिति भी बतानी है कि नती परिवर्तन बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रूल बिल्कुल सेम वही रहेंगे जो अब तक आपने पढ़े हैं। सबसे पहली चीज़ हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो आप लिखेंगे रिएक्शन, रिएक्शंस। रिएक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में निकाल रहे थे, दो रिएक्शन है, ए पॉइंट पर आर ए, बी पॉइंट पर आर बी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहले लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, इंग्लिश में इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की अवस्था में, ठीक है, नोट करते रहिएगा, समझते चलिएगा। संतुलन की अवस्था क्या कहती है? दो कंडीशन लगाएंगे हम, एक तो सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो से, सिग्मा एफ वाई का मतलब बाई एक्स पे जो फोर्स लगते हैं वर्टिकल वाले, उन सबको जोड़ के जीरो के बराबर रख दो। इसका रूल क्या है? ऊपर की ओर वाले फोर्स पॉजिटिव, नीचे की ओर वाले फोर्स नेगेटिव। ऊपर की ओर आर ए आर बी लग रहा है, आर ए और प्लस में आर बी, दोनों को हमने पॉजिटिव ले लिया। इसके बाद नेगेटिव कौन कौन से होंगे? 20 है, 20 माइनस का होगा, 40 है, 40 माइनस का होगा, बराबर में जीरो है, जीरो रख दिया। इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी बराबर प्लस हो जाएंगे इधर जाके दोनों, 60 किलो न्यूटन। ये हो गया एक इक्वेशन। इतना बताइए, समझ आ रहा है सभी को? क्लियर है? आप ये लाइन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स। तो ऊपर की ओर आर ए आर बी लग रहा है, एक तरफ कर लिए, बराबर में नीचे की ओर 20 प्लस 40 60 लग रहा है, एक तरफ कर लिए, एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद अब क्या करते हैं हम? सिग्मा सिग्मा एम ए बराबर जीरो, यानी एक पॉइंट पर हम मूवमेंट लेते हैं और उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। तो चलिए ए पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं। चलिए तो ए पॉइंट पर ले रहे हैं मूवमेंट, ए पॉइंट पर यहाँ से शुरू करेंगे और ए पॉइंट तक जाएंगे हम। सी लग रहा है नीचे की ओर, तो ये बीम को क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज। डेट मीन्स इसको कैसे लेंगे? माइनस में लेंगे, सिंपल, नीचे की ओर वाले फोर्स को माइनस में, ऊपर की ओर वाले को प्लस में। तो माइनस का 20, माइनस का 20 नहीं, नीचे लिखेंगे नई लाइन से, माइनस का 20, माइनस का 20 इनटू में दूरी कितनी है? इस 20 से लेकर के दूरी कहाँ तक की लेनी है? ए तक की। यहाँ से ए तक देखिए कितनी दूरी है, ध्यान से देखिए, दो दो चार दो छः, छः से गुणा कर दिया, समझ आया? इसके बाद ऊपर की ओर आर बी लग रहा है, ऊपर की ओर है प्लस में लेंगे आर बी इनटू, अब आर बी से लेना कहाँ तक की दूरी? ए तक की। तो आर बी से ए तक की दूरी दो दो चार, चार हो गया। फिर माइनस में 40 लग रहा है नीचे की ओर है, तो माइनस में 40 और 40 से लेके ए तक की दूरी 2 मीटर, 2 ले लिया। फिर प्लस में आर ए लग रहा है ऊपर की ओर, क्या लग रहा है? आर ए, और ए तक की दूरी ए पे ही लग रहा है, दूरी जीरो होगी, बराबर जीरो। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का 120 हो गया, प्लस में 4 इंटू आर बी है, ये 4 आर बी था, माइनस 80 हो गया ये, इधर सब जीरो, तो बराबर जीरो हो गया। तो कितना आ गया? 4 आर बी बराबर, माइनस वाले जुड़ के इधर पहुँच जाएंगे, 120 और 80 200 हो गया, 200। तो आर बी यहाँ से कितना आ गया? 4 पंजे 20, 50 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू 50 किलो न्यूटन आ गई। एंड इस आर बी को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, कहाँ? फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
यहाँ रखेंगे तो आर ए यहाँ से कितना मिल जाएगा, 60 में से 50 घटा दो, 10 किलो न्यूटन, कितना मिल गया 10 किलो न्यूटन। रिएक्शन सभी को समझ आ गई, हम रिएक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं, अब मैं रिएक्शन को रफ करने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रिएक्शन के बाद कैलकुलेशन फॉर एसएफडी, एसएफडी के लिए कैलकुलेशन। बस समझते रहिएगा, रिएक्शन की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर बी कितना आया है 50 किलो न्यूटन एंड आर ए कितना आया है 10 किलो न्यूटन, ठीक है, हटाइए इसको। अगला लिखिए कैलकुलेशन फॉर एसएफडी, कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। रूल मैंने पहले ही कह दिया, सेम पहले वाले रूल रहेंगे हमारे, हम चलेंगे किधर से, आरएचएस से, फ्रॉम आरएचएस। मैंने आरएचएस से आपको साइन कन्वर्जन बताया था, ऊपर की ओर जो लोड है उन्हें प्लस में, नीचे की ओर वाले लोड को माइनस में, ठीक है। ये रूल आपको सिंगल याद रखना है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक बार फिर कह दे रहा हूँ, कुछ बुकों में ये उल्टा साइन कन्वर्जन ले रखा तो उनका डायग्राम उल्टा बन जाता, वैल्यू चेंज फिर भी नहीं होती, तो वो भी अपने आंसर को गलत ना समझें, ठीक है। बस आपको यहाँ लिख के दिखा देना इस तरह से, तो एग्जामिनर को कन्फर्म हो जाएगा कि इन्होंने किधर से चले हैं और कैसे साइन लिया है। तो हम चलेंगे इधर से आरएचएस से, ऊपर वाले फोर्स को प्लस, नीचे वाले फोर्स को माइनस लेते चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, शियर फोर्स टिल पॉइंट, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी पर जीरो रहेगा। इसके बाद फिर शियर फोर्स एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पर देखिए नीचे की ओर 20 आ रहा है, तो माइनस में 20 लिखेंगे इसको, माइनस 20 किलो न्यूटन, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद फिर सी के बाद बी पर आएंगे, तो पहले टिल लिखेंगे, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी कितना हो जाएगा, देखिए सी से और बी तक कोई फोर्स नहीं है, सेम यही रहेगा, माइनस का 20 किलो न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट, एट पॉइंट बी लिखेंगे, एट पॉइंट बी कितना आएगा, माइनस 20 तो ये था, और बी पर ऊपर की ओर आर बी और लग रहा है, ऊपर की ओर है तो प्लस में लेंगे, आर बी लगा हुआ है और आर बी की वैल्यू कितनी है, ये रही 50, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे तो कितना बचेगा, 30 आ जाएगा प्लस का, 30 किलो न्यूटन। बी का काम खत्म, अब बी के बाद कौन सा डी पॉइंट है, तो पहले टिल पॉइंट फिर एट, शियर फोर्स टिल पॉइंट कौन सा है, डी, टिल पॉइंट डी, तो बी से लेकर डी तक कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो सेम यही वाला लिख देंगे आप, 30 किलो न्यूटन, यहाँ तक चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद शियर फोर्स टिल के बाद एट आ जाइए, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, 30 तो ये है, अब डी पॉइंट पर नीचे को 40 लग रहा है, नीचे को तो माइनस में लेंगे 40, कितना बचेगा, माइनस का 10 बच गया किलो न्यूटन, यहाँ तक समझ आया। इस डी के बाद अब आ जाइए ए पर, डी के दोनों हो गए टिल और एट, अब ए पर पहला शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए पर, तो देखिए डी से लेके ए तक कोई भी फोर्स नहीं है, तो सेम यही वैल्यू रहेगी, माइनस का 10 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, माइनस का 10 तो ये है, प्लस में आएगा, आर ए ऊपर की ओर है प्लस में, आर ए की वैल्यू 10 है, 10 लिख दिया बराबर 0 आ गया, ठीक है। जीरो से शुरू किया, जीरो पर ख़त्म हुआ, एस एफ डी की कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम और बनवा देता हूँ इसका। तो डायग्राम देखिएगा थोड़ा ध्यान से, पहले इन सभी पॉइंट्स को नीचे ले आओ लाइन खींच करके, इधर भी सेम, इधर भी टेढ़ी हो जा रही लाइन, कोई बात नहीं, आप सीधी खींचिएगा प्लीज, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग सब समझ लेंगे, स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे पहले, ये लाइन खींच दी, इसके बाद देखिए अब डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जीरो से शुरू करना, सी पर कौन कौन से हैं, पहले जीरो फिर माइनस 20, जीरो और फिर माइनस 20, मान लो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक मान लिया माइनस 20 किलो न्यूटन में, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आ जाइए बी पॉइंट पर, पहले तो माइनस 20 है, फिर 30 है प्लस का, तो माइनस 20 तो इसी के सीध में आएगा बिल्कुल, यहाँ पर माइनस 20, यहाँ से नीचे को माइनस 20, तो माइनस 20 तो ये आ गया माइनस का 20 किलो न्यूटन, और 30 आ रहा है, 30 ऊपर जाएंगे। आप एक काम कीजिएगा, एक काम कौन सा करना है आपको, आप इसको पैमाना मान के खींच लीजिएगा, स्केल मान के, ताकि डायग्राम आपका गलत ना बने। 20 को आप खींचिएगा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी नीचे 2 सेंटीमीटर, 20 वाला आ गया। फिर 30 को खींच लीजिएगा 3 सेंटीमीटर, 30 को 3 तो इससे ज़्यादा आएगा, जितना ये है ना इससे ज़्यादा, मान लो यहाँ तक आ गया,
ये हो गया कितना 30 प्लस का था, ऊपर लिया 30 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आ रहा है? इसके बाद फिर अब आ जाइए किस पर, 30 के बाद डी पर। पहले 30 है फिर माइनस 10 है, तो पहले 30 है तो बिल्कुल इसकी सीध में आएगा। यहाँ पर मान लिया कितना है पहले 30 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद माइनस 10, तो 10 को एक सेंटीमीटर खींच लेना, तो इसका बिल्कुल आधा, आधा मतलब लगभग यहाँ तक मान लो माइनस का 10 किलो न्यूटन। इसके बाद फिर कितना है ए पर आ जाओ, ए पर पहले माइनस 10 फिर 0, तो माइनस 10 इसके बिल्कुल सीध में रहेगा। यहाँ मान लिया कितना है माइनस का 10 किलो न्यूटन, उसके बाद फिर 0। इस तरह से हमने सभी पॉइंट लगा लिए। इनकी दूरी खींचते समय विशेष ध्यान रखें, जो 20 है वो 10 का दो गुना रहेगा, 30 इन दोनों से ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए स्केल से खींचना। लगभग आप 10 किलो न्यूटन को एक सेंटीमीटर मान लेना, तो यहाँ से यहाँ तक एक खींचना, इसको खींच लेना 2 सेंटीमीटर, 30 वाले को खींच लेना 3 सेंटीमीटर, तो डायग्राम एकदम सही बनेगा आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कहाँ से, 0 से माइनस 20 पे जाना है, 0 से माइनस 20 पे आ गए, ये आ गए, ठीक। फिर माइनस 20 से माइनस 20 पे, तो माइनस 20 से माइनस 20 पे ये आ गए। फिर यहाँ से किस पे है, 30 पर, 30 पे चले गए ये। फिर इस 30 से अगले वाले 30 पर ये आ गए। फिर इससे माइनस 10 पर, माइनस 10 पर आ गए। फिर ये माइनस, ये प्लस, ये नहीं सॉरी, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये वाला प्लस। एस एफ डी सब का बन गया ये, क्लियर है सभी का, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आपका एस एफ डी। आप और अच्छा लगने के लिए इसको आप ऐसे हैचिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ, तो अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा। क्लियर हुआ ना? ये 20 सेंटीमीटर वाली वैल्यू है, ये 20 किलो न्यूटन वाली, 10 किलो न्यूटन वाली, और ये 30 किलो न्यूटन वाली। तो मैं एस एफ डी की कैलकुलेशन को रफ करता हूँ, और अब चलते हैं बी एम डी की ओर। हटा दें। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो प्लीज़ करके आप परेशान ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आप ऐसा मजबूत हो जाएगा आपका हर टाइप के क्वेश्चन करने के बाद, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। फिर अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बी एम डी, कैलकुलेशन फॉर बी एम डी। बी एम डी के लिए कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस, और जो क्लॉकवाइज वाले होते हैं उनको माइनस लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप देखा भी दिया करिए इस तरह, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर एट लिखते हैं, सिर्फ टिल की आवश्यकता नहीं है। एट पॉइंट पहले क्या, सी, तो सी पर कितना होगा, नीचे की ओर माइनस 20 है, लेकिन दूरी सी तक की, ये 20 सी पर ही लग रहा है, तो दूरी 0 है, तो बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट, सी के बाद क्या बी पॉइंट है, तो एट पॉइंट बी कितना आएगा, बी पॉइंट से पहले आगे नहीं जाना, तो नीचे की ओर माइनस 20 और बी तक की दूरी, माइनस 20 और बी तक की दूरी 2 है। इसके बाद बी पर आर बी लग रहा है ऊपर की ओर, लेकिन आर बी की दूरी 0 है, क्योंकि बी पर ही लग रहा है ये, तो माइनस में 40 आ जाएगा, ये 40 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट, बी के बाद क्या, डी, एट पॉइंट डी, डी पर निकालने के लिए यहाँ से शुरू करना है, डी तक जाना है, माइनस 20 और डी तक की दूरी 2 और 2 4, माइनस 20 इंटू 4। इसके बाद बी पर लग रहा है ऊपर की ओर आर बी, और डी तक की दूरी 2 मीटर, तो प्लस में लेंगे ऊपर की ओर है, तो आर बी की वैल्यू 50 इंटू में आर बी से डी तक की दूरी 2 मीटर, 2। इसके बाद नीचे को 40 है डी पर, नीचे को 40 है माइनस 40, दूरी है 0 इसकी, कितना हो गया है, माइनस का 80 और प्लस का ये हो गया 100, ठीक है, तो 0 हो गया था, कितना बचेगा, 20 किलो न्यूटन, अच्छा इंटू में मीटर भी आएगा, मूवमेंट है ना ये, इंटू मीटर। इसके बाद फिर ए पॉइंट पर आ जाओ, ए पॉइंट पर, तो लिख देंगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर कितना आएगा बेंडिंग मूवमेंट, माइनस का 20 इंटू ए तक की दूरी 6, माइनस 20 इंटू 6। इसके बाद फिर ऊपर की ओर आर बी की वैल्यू 50 है, इंटू में दूरी कितनी है, बी से ए तक की 2 2 4 4, फिर माइनस में ये 40 है नीचे की ओर, दूरी कितनी है, 40 से दूरी है ए तक की 2 मीटर, फिर आर ए है और आर ए की दूरी तो 0 है। इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस का 120, 200 माइनस 8 80, पीछे तो 0 हो ही गया, तो माइनस का 120 माइनस का 80 माइनस 200 हो गया, और प्लस में ये पीछे 200 प्लस का, तो बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये बी एम डी की कैलकुलेशन हो गई, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। चलिए खींचा डायग्राम,
सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये लो लाइन खींच दी, ठीक। पहले सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना, जीरो है, सी पर जीरो हो गया। सी के बाद बी पॉइंट पर माइनस चालीस, ठीक है। थोड़ा और ऊपर ले लो इसको, नीचे दिखना रहा होगा शायद आपको, ये लाइन में थोड़ा सा और ऊपर खींच देता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए। यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ जीरो, यहाँ माइनस चालीस, मतलब लगभग 4 सेंटीमीटर खींच ले लो समथिंग। मान लिया यहाँ तक है माइनस का 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इसके बाद माइनस चालीस के बाद 20 है प्लस का, किस पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट ये वाला है, इस पर आ जाओ माइनस का 20, इसका आधा लेंगे, इसका आधा लगभग मान लो यहाँ तक आ रहा है, कितना माइनस का 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इसके बाद ए पॉइंट पर फिर जीरो, ए पॉइंट पर कैसा है, जीरो है, ठीक है। सभी को मिलाना है, पॉइंट लोड है, त्रिभुज बनता है बीएमडी में, पीछे वाले कॉमन रूल सेम ही रहेंगे, एसएफडी आयताकार बना है, बीएमडी त्रिभुजाकार। तो जीरो से पहले आना माइनस चालीस पर, देख लीजिए जीरो से माइनस चालीस पर आना है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ये मिल गया, ठीक। इसके बाद फिर माइनस चालीस से बीस पर जाना है, तो त्रिभुज बनेगा इस तरह से, टेढ़ी होगी लाइन, ठीक है। आप स्केल से खींचना अच्छे से, सीधे सीधे खींचेगा, ठीक है। चलिए मिल गया, यहाँ मिल गया मान लो। इसके बाद फिर इससे जीरो को मिला दो, इससे जीरो को मिला दिए, तो डायग्राम कैसा बन रहा है, ये ऊपर तो प्लस है, नीचे कैसा माइनस है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या मिला है आपको, ये यहाँ पर पॉइंट मिला है एन, इसको एन नाम दीजिएगा जहाँ पर बी एम डी साइन चेंज करे। अभी मैंने आपको बताया था क्या, जिस पॉइंट पर बी एम डी अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर आप सभी को मिल चुका है, ये चीज़ सभी को समझ आ रही है, ठीक है। और ये वैल्यूज है, ये प्लस की थी, 20 माइनस नहीं रहेगा, प्लस का रहेगा, ये 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर मिल गया। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर भी बताइए, नति परिवर्तन बिंदु भी बताइए, तो आपको ये भी बताना है ये दूरी कितनी है, यानी या तो कह दो बीम के सी सिरे से कितनी दूरी पर है ये वाला पॉइंट, या कह दो सपोर्ट से कितनी दूरी पर है, तो आपसे इसकी पोजीशन और पूछेगा। तो पहले इतना बताइए, क्लियर हो गया यहाँ तक, एक बार आप इसकी कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करके आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। हटाएं तो ओवरहैंगिंग बीम में थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है, कितना काम, एसएफडी बीएमडी बनाने के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर और निकालना पड़ता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिख दीजिएगा आप इस तरह से, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर ये वाला पॉइंट है, इसको ले जाइए डैस डैस करके ऊपर, ठीक है। किसी और पेन से कर लेते हैं इससे, इसको ले जाना आप कहाँ पर, ऊपर ले जाना इस तरह से, मान लो यहाँ तक आप ले आए इसको डैस डैस करते हुए इस तरह, यहाँ पर आ गया आपका ये एन पॉइंट। इसको आप मान लीजिएगा कि इधर से इस सिरे से और यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, बाई है, आप इसको बाई दूरी मान लीजिएगा। अब आप इस बाई की वैल्यू निकाल दीजिए, बाई की वैल्यू कितनी है, तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर की पोजीशन पता चल जाएगी। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपको जहाँ भी बी एम डी साइन चेंज करेगा वो आपका होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जस्ट अभी। अब इस एन की पोजीशन बता दो या सी सिरे से कितनी दूरी पर है, तो आप फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर भी निकाल लिए समझो। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ इस एन पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए, क्या कर दीजिए, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट एन, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट एन, एन पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट को मैं एम फॉर मूवमेंट होता है और सफिक्स में एन लिख दीजिए, एम एन से डिनोट कर दे रहा हूँ। इस एम एन की वैल्यू हमें निकालनी है, नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एम एन, ठीक है, एम एन निकालिए। आपको सबको पता है नीचे की ओर वाला फोर्स माइनस, तो माइनस 20 इंटू एन तक की दूरी, तो माइनस में 20 इंटू में एन तक की दूरी कितनी है, बाई, बाई ले लिया, ठीक। इसके बाद अगला फोर्स कौन सा है, इसके बाद अगला फोर्स ये आ रहा है ऊपर की ओर, आर बी, ऊपर की ओर है तो प्लस में लेंगे, आर बी की वैल्यू 50 आई थी, पीछे आप देख चुके थे, मैं आर बी की जगह 50 लिख देता हूँ, 50। अब यहाँ से 20 है और ये वाली दूरी, देखो 20 से पीछे की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक बाई था, तो इस बाई में से पीछे का 2 मीटर घटा दो तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, क्लियर ना। यहाँ से यहाँ तक बाई है, इसमें से ये 2 घटा दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई, नहीं मिल गई, तो बाई माइनस 2 हो जाएगा, कितना, बाई माइनस 2, क्लियर। और तो कोई फोर्स है नहीं, और कोई फोर्स नहीं है यहाँ तक, इतना था, ठीक।
ये हमें इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ गया एम एन इक्वल टू माइनस का 20 बाई प्लस में 50 बाई और माइनस का 50 दूनी 100 हो गया। तो ये 50 ये माइनस का 20 30 बचेगा प्लस का 30 बाई माइनस का 100 बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब चूंकि हमने अभी आपको नोट पॉइंट लिखवाया थे, और क्या नोट पॉइंट लिखवाया था, हमने लिखवाया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। इस लाइन पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो जीरो है। डेट मीन्स इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हम रख देंगे जीरो, या लिख देंगे आप इस तरह से, हम जानते हैं, या चूंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर पर बेंडिंग मोमेंट बराबर जीरो, तो यहाँ पर जीरो रख दीजिए, ये जीरो रख दिया, बराबर कितना आ गया 30 बाई माइनस 100, माइनस 100 को इधर ले जाओ प्लस 100 हो गया बराबर 30 बाई। तो बेटा बाई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 बट्टे 30 मतलब 30 जीरो से जीरो कट गया, 3 3 9 3.33 कितना आ गया 3.33 बाई दूरी है इसलिए मीटर में ले लेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर निकल के आ गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा नति परिवर्तन बिंदु है वो बीम के सी सिरे से 3.3 मीटर दूरी पर है, 3.33 मीटर दूरी पर है। इस चीज़ को थ्योरी की फॉर्म में ज़रूर लिख के आए, क्या लिखेंगे आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर बीम के सी सिरे से 3.33 मीटर दूरी पर है। इस तरह से ज़रूर लिख दीजिएगा आप लास्ट में, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपका नति परिवर्तन बिंदु कहाँ पर है। अगर आपसे पूछता सपोर्ट बी से कितनी दूरी पर है, तो सिंपल इसमें से इधर का 2 मीटर घटा देते तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाता, जब इसमें से 2 मीटर माइनस करते तो 1.33 मीटर आता। तो सपोर्ट बी से ये पॉइंट आपका 1.33 मीटर दूरी पर है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर भी निकाल देंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आप इस साइड से बाई दूरी मानिएगा, ये रिएक्शन यहाँ हो कहीं भी हो, ये वाली जो रिएक्शन है चाहे इधर ही क्यों ना हो, जहाँ भी आपका नति परिवर्तन बिंदु आएगा एक सिरे से उसको बाई दूरी पर मान लीजिएगा, बाई दूरी पर मान करके मोमेंट लीजिएगा, जैसे हमने लिया आपके सामने मोमेंट ये आ गया, फिर आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को जीरो रख देना है, यहाँ जीरो रख दिया, बाई की वैल्यू निकाल दी, बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे सभी दोस्त। चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का लेते हैं, जो कि UDL वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उससे और अच्छे से क्लियर करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, इसे रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओवरहैंगिंग बीम पर UDL लगा हुआ है, ABC तीन पॉइंट हैं जिसमें A और B पर सपोर्ट है, तो रिएक्शन RA और RB है, और A से B तक की दूरी 4 मीटर है और B से C तक की दूरी 1 मीटर है, और पूरी बीम पर सेम इंटेंसिटी का UDL लगा हुआ है 3 kN/m, पूरी बीम पर सेम है UDL, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, पहले निकालेंगे हम रिएक्शंस मतलब प्रतिक्रिया, आपको पता ही है रूल, संतुलन की अवस्था में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स आर ए प्लस आर बी हैं, बराबर नीचे की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो नीचे की ओर एक ही लग रहा है UDL, अब ये टोटल लंबाई तक लग रहा है, और UDL का रूल आपको बता रखा है, UDL में हमेशा टोटल लंबाई से गुणा जरूर करते हैं, टोटल लंबाई कितनी है 1 मीटर ये और 4 मीटर ये, टोटल 5 मीटर तक लग रहा है UDL, तो 5 से गुणा कर देंगे 3 में, तो 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 5 मतलब 15 आ गया, 15 kN, ये होगी हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। इधर ये माइनस में आता, जीरो के साइड लाके डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे और जीरो के बराबर, सिग्मा एम ए बराबर जीरो से, अब सिग्मा एम ए बराबर जीरो का मतलब यहाँ से लेके ए पॉइंट पर मूवमेंट लेना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मूवमेंट जब ए पॉइंट पर लेंगे तो ए पॉइंट से पहले दो ही फोर्स हैं, एक तो UDL है टोटल लंबाई वाला और एक रिएक्शन है आर बी। तो चलिए जो UDL लग रहा है वो नीचे की ओर है, तो इसको कैसे लेंगे, हम माइनस में लेंगे, तो माइनस में कितना है UDL की वैल्यू, 3 × 5 मतलब 15, माइनस में 15 है लोड की वैल्यू, इनटू आपने पढ़ा है UDL हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, तो टोटल लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर के आधे दूरी से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 मीटर का आधा कितना हो गया, 5/2 हो गया, या मैं 2.5 लिख दे रहा हूँ इसको, 2.5 मीटर,
2.5 मीटर पर, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर बिल्कुल बीच में होगा जो कि 2.5 मीटर होगा, 5 का आधा। ये समझ पा रहे हैं सभी? हम ले रहे हैं ए पर मोमेंट, टोटल यूडीएल की वैल्यू 3 × 5 15 हो गया, इनटू सेंटर पर लगेगा तो 5 का आधा 2.5 मीटर, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आ रहा है ऊपर की ओर आरबी, आरबी ऊपर की ओर है तो प्लस में लेंगे, प्लस आरबी, और आरबी से और ए तक की दूरी, ये पॉइंट लोड है ना आरबी, तो आरबी से ए तक की दूरी 4 मीटर, 4 से गुणा कर दिया। इसके बाद अगला लोड कौन सा है? अगला लोड आरए है जो ए पॉइंट पर लग रहा है, तो प्लस में आरए, लेकिन इसकी दूरी 0 है तो बराबर कर दीजिए 0, ठीक है। इसके बाद देखिए, कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा, क्या सर हम इसका यूडीएल अलग से लेकर के यहाँ तक दूरी लेके मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद इस यूडीएल को लेकर दूरी से मल्टीप्लाई करें, तब नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगी सेम, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पहले यहाँ तक का यूडीएल लेंगे, कितना आएगा वो 3 × 3 3 मीटर आएगा, और इसके सेंटर से यहाँ तक जाएंगे आप 4.5 मीटर दूरी, फिर आपको इसका 12 लेना पड़ेगा, फिर 12 में 2 मीटर से गुणा करेंगे आप, तो बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, हम ले रहे हैं ए पॉइंट पर, तो पूरा यूडीएल आ जाएगा पीछे का जो कि 5 मीटर तक का है, 3 × 5 = 15 हो गया, और सेंटर तक की दूरी 2.5 मीटर हो गई। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 का 2.5 गुना 15 × 2 = 30 और 7.5 = 37, ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, माइनस का 37.5 आ गया, प्लस में ये 4RB हो जाएगा, 4RB बराबर, ये तो 0 ही हो गया, बराबर 0, इस माइनस को इस साइड ले आए तो 4RB इक्वल टू आ गया कितना, 37.5, ठीक है। इसके बाद 4 से डिवाइड कर दो तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 36 एक बचा 15 हो गया, 4 × 3 = 12 3 बचेंगे 30, 7 × 28 और 4 × 5 = 20, इतने किलो न्यूटन, 9.375 आरबी की वैल्यू आ गई। इसके बाद आरए निकालेंगे, तो आरए निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आरबी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ रख दो, इसको इधर लेके माइनस हो जाएगा, 15 में से घटाओ 9.375, तो 9 × 6 = 15 5.625, ठीक है, किलो न्यूटन आप निकाल के देख लीजिए, यही आएगा, 15 में से घटाएंगे आप इसको तो ये बचेगा 5.625, क्योंकि दोनों को जोड़ के देखो 15 बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आर ए आर भी निकल गया रिएक्शन, सभी को समझ आया, रिएक्शन को नोट कीजिए जल्दी से, मैं आगे कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन फॉर SFD, हटा दें इसको, चलिए हटाते हैं, और मैं रिएक्शंस की वैल्यू यहाँ पर ऊपर नोट कर देता हूँ, यहाँ रिएक्शंस की वैल्यू नोट कर दे रहा हूँ मैं, रिएक्शन तो लिखा ही है, पहले वैल्यू आर ए की लिख दो, आर ए की वैल्यू कितनी है 5.625, ठीक है, किलो न्यूटन में, एंड फिर आरबी की वैल्यू है, और आरबी की वैल्यू कितनी है 9.375 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए रिएक्शन के बाद अगला पॉइंट लिखिए, कैलकुलेशन फॉर SFD, कैलकुलेशन फॉर SFD, SFD की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फ्रॉम RHS लेकर चल रहे हैं हम, RHS राइट हैंड साइड रूल हमने क्या बताया, ऊपर की ओर वाले प्लस में, नीचे की ओर वाले माइनस में लेंगे, ठीक है। टिल पॉइंट सी से स्टार्ट करेंगे, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी बेटा 0 होगा, एट पॉइंट सी कितना होगा, एट पॉइंट सी भी 0 होगा, क्योंकि सी पॉइंट पर ऊपर से कोई भी लोड नहीं है, सी तक और सी पर 0 है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आइए बी पर, पहले टिल पॉइंट बी, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टेल पॉइंट भी कितना है बेटा, बी से सी तक का यूडीएल, केवल बी से सी तक का यूडीएल कितना है, 1 मीटर वाला यूडीएल है, 3 × 1 करेंगे, क्योंकि केवल बी तक ले रहे हैं, आगे नहीं जाना आपको, तो 3 आ जाएगा, नीचे की ओर है माइनस में लेंगे 3, दूरी से आधी दूरी से गुणा नहीं करेंगे, आधी दूरी से गुणा तब करते हैं जब हम मूवमेंट लेते हैं, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, सीआर फोर्स ले रहे हैं, तो फोर्स का मतलब टोटल लेंथ से गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, तो 3 तो यूडीएल है पूरी लंबाई पर सेम था, और 1 मीटर तक की दूरी का ले रहे हैं, तो 3 × 1 = 3 हो गया किलो न्यूटन। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो 3 तो ये आ गया टिल पॉइंट बी तक, अब बी पर ऊपर की ओर आर बी और लग रहा है, तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर की ओर है तो आर बी की वैल्यू कितनी है, ये रही 9.375, कितना बचेगा, ये प्लस का 6.375 बचेगा किलो न्यूटन में, यहाँ तक समझ आया बी तक। अब आ जाओ किस पर, टिल पॉइंट ए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, ये तो 6.375 है, माइनस में हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल, यानी बी से ए तक का यूडीएल 3 × 12 घट जाएगा, माइनस का 12 कर देंगे आप, जब 12 को माइनस करेंगे तो 12 में से इसको घटाना, माइनस में बचेगा आपका 5.5
5.625 किलो न्यूटन, ठीक है, माइनस करके देख लेना आप, यही आएगा। अब टिल पॉइंट के बाद एट पॉइंट लेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए कितना आएगा माइनस में 5.625 और प्लस में लग रहा है ऊपर की ओर आर ए, आर ए की वैल्यू ये रही कितनी है 5.625, दोनों को जोड़ देंगे, एक माइनस एक प्लस कट के जीरो आ गया, जीरो से स्टार्ट जीरो पर फिनिश, डेट मीन्स सही है कैलकुलेशन, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम को बनाइए, डायग्राम बनाइए, यस, पहले एक लाइन खींचेंगे, खींच दी, सी पॉइंट पर जीरो था, टेल हेड दोनों ही जीरो थे, ए बी पॉइंट पर पहले माइनस तीन है फिर प्लस का है, तो पहले माइनस का तीन ले लो, माइनस का तीन मान लिया, यहाँ तक आ रहा है माइनस का तीन, यहाँ तक ले लिया माइनस का थ्री किलो न्यूटन। इसके बाद इसी पॉइंट बी पर कितना है प्लस का 6.375, इसका तीन दूनी छः, लगभग दो गुने से थोड़ा ज़्यादा है, तो इतना तीन था तो इतना तीन दूनी छः, यहाँ दो गुने से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ तक मान लो कितना आया ये आपका 6.375 किलो न्यूटन, यहाँ तक क्लियर हुआ, यस। इस बी के बाद आ जाओ ए पॉइंट पर, पहले ए पॉइंट पर माइनस का 5.625 है, माइनस का 5, तो इससे तो थोड़ा कम रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, तो इससे तो ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा मान लो यहाँ तक आ गया, और उससे कम रखना, ठीक है, ये वाला माइनस का कितना है, माइनस का 5.625, ठीक है, किलो न्यूटन, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जीरो है, फिर जीरो लिख देंगे यहाँ पर, जीरो सभी को मिलाना है। अब ध्यान के रखना है, यूडीएल आ रहा है तो एसएफडी बनेगा त्रिभुजाकार, बीएमडी बनेगा पैराबोलिक, तो त्रिभुजाकार ट्रायंगल बनाना है, पहले कहाँ आना है आपको, जीरो से माइनस तीन पर, जीरो से माइनस तीन पर आ गए, फिर माइनस तीन से छः पर जाना है, सीधे यहाँ पर पहुँच जाओ, ये पहुँच गए आप इस पॉइंट पर, ठीक। इसके बाद फिर छः के बाद किस पर आना है, माइनस फाइव वाले पर, इस पर, तो यहाँ से आ जाओ इस पर, ठीक है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, आप सही से बना लीजिएगा प्लीज़ करके, ठीक है, हाथ से खींचने में थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, सीधा खींचेगा, बन गया। इसके बाद इसको जीरो से मिला दो, ये मिल गया, माइनस प्लस माइनस, ये क्या बना है, ये हमारा एसएफडी बना है, एसएफडी ये बना है हमारा एसएफडी, इतना बताइए सभी को क्लियर हो गया एसएफडी कैसे बनाया है। दो पॉइंट पे साइन चेंज हो रहे हैं, एक तो इस पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है, एक इस पॉइंट पर, तो इन दोनों पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, एक तो इस पर आएगा और एक इस पॉइंट पर, दोनों पर मैक्सिमम आएगा, इनमें से किसी एक पर सबसे ज़्यादा होगा। चलिए इसको रफ कर दें, एसएफडी को रफ कर दें, हटा दें। चलिए अब देखते हैं बीएमडी, समझते रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिए। एसएफडी बीएमडी आपका इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें आप, ठीक है। अब कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, अच्छा हम रिएक्शन की वैल्यू मिटा दिए हैं, रिएक्शन की वैल्यू आप लिख लीजिएगा, हम गलती से मिटा दिए, आरबी जो आ रहा था, आरबी तो था 9.375 और आरए जो था, आरए कितना था 5.625, यही था शायद आर ए आर बी, ये रिएक्शंस थे आपने लिख लिए होंगे पहले। अब कैलकुलेशन फॉर बीएमडी कर रहे हैं तो बीएमडी में आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज वाला प्लस में, क्लॉकवाइज वाला माइनस में लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सी पॉइंट से, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, जीरो, सी के बाद बी पर आएंगे, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, बी पर कितना आएगा आप खुद बताइए, बी पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, बी पर होगा यहाँ सी से बी तक का यूडीएल कितना है बेटा, यूडीएल तीन गुणा एक मीटर तक का, तो माइनस का तीन है, लेकिन दूरी लेंगे मूवमेंट में, हम दूरी भी लेते हैं तो सेंटर पर लगता है, तो आधी दूरी लेंगे, यहाँ लगेगा बीच में, तो यहाँ से बी तक की दूरी एक का आधा, एक का आधा मतलब एक बट्टे दो, ठीक, कितना हो गया टोटल ये माइनस का 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये क्लियर है ना। अगर हम आर बी लेते तो आर बी इंटू दूरी जीरो हो तो वो जीरो ही हो जाता, मैंने इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए पर आ जाइए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर बेंडिंग मूवमेंट निकालिए, तो ए पॉइंट से पहले पहले टोटल यूडीएल है, तो पूरा तो यूडीएल आ जाएगा, माइनस का तीन पंजे पंद्रह, यूडीएल का टोटल लोड कितना हो जाएगा,
तीन और टोटल दूरी तक है यहाँ से यहाँ तक का पाँच, तीन पंजे पंद्रह माइनस का पंद्रह, और दूरी कितनी लेंगे यहाँ से यहाँ तक पाँच मीटर है, पाँच मीटर का आधा सेंटर पर लगता है ना, तो आधा मतलब 2.5, फिर प्लस में आर बी ऊपर की ओर है, आर बी, आर बी की वैल्यू है 9.375 और आर बी से, आर बी से ए तक की दूरी चार है, चार से मल्टीप्लाई, फिर प्लस में आर ए लेकिन दूरी है जीरो, इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा जीरो आ जाएगा, माइनस पंद्रह कर लीजिए, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, पंद्रह दूनी तीस और 37.5 माइनस का, प्लस में इनका दोनों का गुणा कीजिए, ये भी आएगा आपका 37.5, पीछे तो जीरो हो ही गया था, प्लस का माइनस का कट के क्या आ गया जीरो, ए पॉइंट पर भी क्या आ गया जीरो आ गया। अब हमें क्या याद रखना है, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट ये शियर फोर्स डायग्राम है ये इस पॉइंट बी पर, और एक और पॉइंट इसको नाम दे दो, क्या क्या हो गया, ई बी सी, इसको डी कह दो आप, ये डी डैश है, इसको डी कह दीजिए, ऊपर ले जाओ इसको, यहाँ पर मान लो डी पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ पर तो डी पॉइंट पर आपका साइन चेंज हो रहा है इसका, यहाँ पर किस पॉइंट पर, डी पे मान लिया हमने, डी पॉइंट पर जो आपका एस एफ डी है वो साइन चेंज कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा था, ये बी पॉइंट था, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप, चूँकि एस एफ डी ने या एस एफ डी पॉइंट पॉइंट बी एंड डी पर साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, इसलिए इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इन पॉइंट्स पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो बी पॉइंट पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया था माइनस का 1.5। अब बचा हमारा डी पॉइंट, डी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो डी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए आप दूरी मान लीजिए डी पॉइंट तक की एक्स, कितनी एक्स दूरी मान लीजिए, चलिए अब इस एक्स दूरी को मान के सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम मूवमेंट ले रहे हैं किस पर, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट, सी से डी तक का बेंडिंग मूवमेंट कितना आएगा, माइनस में तीन गुणा एक्स, थ्री एक्स आ जाएगा, ठीक है, लोड तो आ गया माइनस का थ्री एक्स, और दूरी कितनी लेंगे, दूरी आधी पे लगता तो एक्स का आधा, यहाँ से यहाँ तक एक्स का आधा, तो एक्स का आधा हो जाएगा एक्स बाई टू, इतना समझ आया। इसके बाद फिर आपका ऊपर की ओर आर बी लग रहा है, ऊपर की ओर है प्लस में लेंगे, बेटा आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू है ये 9.375 इनटू दूरी कितनी है, अब आर बी से बी पॉइंट से डी तक की दूरी, तो इस बी से पीछे पीछे एक मीटर है, इस एक्स में से ये पीछे वाली एक मीटर घटा दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, मतलब एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ये चीज़ समझ आई सभी को, यहाँ इनटू लगा देते हैं, यस ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं यहाँ तक, यही फोर्स था सिर्फ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एम डी की जो वैल्यू मिल गई आपको, एम डी वो कितना मिल गया, माइनस का दो से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, और एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हो गया ये आपका 9.375x और माइनस में 9.375, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई आपकी ये। अब आप इसका क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को नोट कीजिए, डिफरेंशियल में इधर सॉल्व कर देता हूँ, वैल्यू निकालने के बाद कैलकुलेशन को मिटा देंगे। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे डी एम अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डिफरेंशियल कीजिए दो आगे आ जाएगा, दो आगे आएगा, ये डिफरेंशियल का रूल है, तो डेढ़ का दो गुना तीन हो जाएगा, तो माइनस का थ्री एक्स हो गया, इसके बाद प्लस, प्लस एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है पूरा, एज इट इज लिख जाएगा 9.375, एक्स का वन हो गया, पीछे क्या है माइनस में ये कॉन्स्टेंट है पूरा, इसका हो गया जीरो, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट था। अब आप जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डी एम अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के परिवर्तन की दर शियर फोर्स के बराबर होती है, और शियर फोर्स यहाँ पर जीरो होता है इस पॉइंट पर इसलिए जीरो कर दिया, यहाँ जीरो रखिए, जीरो रखा आपने, तो माइनस का थ्री एक्स प्लस में 9.375, थ्री एक्स को इधर ले गए आप, थ्री एक्स बराबर हो गया 9.375, यहाँ से थ्री से डिवाइड कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन एकन तीन पॉइंट, फिर यहाँ कीजिए कितना हो गया ये, नहीं तीन से तीन बार, सॉरी थ्री थ्री जनाइन, थ्री थ्री जनाइन, तीन पॉइंट, तीन एकन तीन, तीन दूनी छः, तीन पंजे पंद्रह, कितना आ गया 3.125 मीटर, ये आ गई एक्स की वैल्यू, और इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दो आपने जो अभी इक्वेशन वन बनाई है इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर, तो यहाँ तक नोट कीजिए, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके और आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार, हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, एक बार लिख लीजिए प्लीज़ करके, ठीक है, सिर्फ ये मिटा रहा हूँ ऊपर का,
और यहाँ पर लिख देते हैं, C पर जीरो था सिर्फ यहाँ पर, तो M D D पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट माइनस 1.5 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3.125 प्लस 9.375 इनटू में एक्स की वैल्यू 3.125 फिर माइनस में 9.375। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे आप, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 5.2734 आ रहा है, कितना 5.2734 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब मैं इसको हटा करके डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। चलिए डायग्राम देख लीजिए, अब बना दे डायग्राम, बनाते हैं। इस पॉइंट को नीचे ले आइए, इस पॉइंट को भी नीचे ले आइए, इसके बाद ये वाला पॉइंट भी नीचे लाइए और ये वाला पॉइंट भी नीचे ले आइए, इस तरह से, ठीक है। सिंपल सीधी लाइन खींच दीजिए, एक खींच दिया। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट था जीरो, बी पॉइंट पर है माइनस का डेढ़, माइनस का डेढ़ लगभग मान लो यहाँ तक आ रहा है, माइनस का 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बी का काम खत्म, डी पॉइंट पर, डी पर अभी निकाला है हमने, सबसे ज़्यादा आया है डी पे 5.23, मतलब ये डेढ़ है तो इसके दो गुने से भी ज़्यादा रहेगा, मान लो यहाँ तक आ गया, कितना आ गया 5.2734 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इसके बाद ए पॉइंट पर जीरो था, सभी मोमेंट्स की वैल्यू रख दी। डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, यूडीएल आ रहा है, पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा, कर्व इस तरह से कर्व, ठीक है। यहाँ भी कर्व, कर्व यहाँ भी कर्व, ठीक है। यस, मैंने फ्री हैंड बनाया, आप सही से बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मिल गया, यहाँ पर देखेंगे ऊपर को डायग्राम प्लस, ये डायग्राम कैसा है माइनस, तो जहाँ पर साइन चेंज हो रहा है ये पॉइंट मिल गया हमें एन पॉइंट, तो ये क्या हमारा नती परिवर्तन बिंदु, इसकी पोजीशन निकालनी है तो इसकी पोजीशन भी निकाल दीजिएगा, निकाल देंगे मोमेंट में निकाल दे रहा हूँ आपको, फिर वैल्यू आप खुद निकाल दीजिएगा, हटा दें। चलिए वैल्यू दिखा देते हैं, हालांकि इसके क्वेश्चन में पूछा नहीं था, हम फिर भी निकाल ले रहे हैं। इसको ले जाइए बेटा ऊपर ऐसे, बिल्कुल ले चलिए, ले चलो ऐसे, यस यहाँ आ गया। तो आपको क्या बताया था, यहाँ तक बाई दूरी मान लेंगे आप, इस साइड से कितनी दूरी बाई, ऊपर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आपका नती परिवर्तन बिंदु आपको मिलता है उस दूरी को हम बाई मान लेते हैं, ठीक है। ये बाई दूरी, तो इस बाई दूरी को कैलकुलेट कर दो कि ये दूरी आपकी बीम के सी सिरे से कितनी दूरी पर है, ये दूरी मिली है, ये जो नती परिवर्तन बिंदु आपको मिला है ये वाला, ये इस साइड से कितनी दूरी पर है, बाई दूरी पर। अब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, हटा दें बेटा इसे, हटा देते हैं और लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं तो टाइम लग रहा है, बट प्लीज़ करके ना तो बोर होना है आपको और ना ही परेशान होना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम बाई दूरी पर मोमेंट लेंगे, यहाँ एन पॉइंट माना है हमने, लिख देंगे आप बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एन, एन पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट को हम एम एन बोल देते हैं। वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तक का यूडीएल लेंगे, यहाँ तक का यूडीएल बी से और इस एन पॉइंट तक का यूडीएल, वैल्यू कितनी है तीन है, दूरी बाई है, तो माइनस में 3y तो हो गया क्या हमारा टोटल लोड की वैल्यू, नीचे की ओर था इसलिए, और सेंटर पर लगता है यूडीएल, तो बाई का आधा दूरी से गुणा करेंगे तो बाई अपॉन टू, ठीक है। इसके बाद प्लस में ऊपर की ओर लग रहा है आरबी, और आरबी की वैल्यू कितनी थी हमारी 9.375, इसकी दूरी कितनी होगी, इस आरबी से और इस एन पॉइंट तक की दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी, इस बाई में से पीछे का ये वाला एक मीटर घटा दो तो बाई माइनस वन बचेगा, ये कितना बाई माइनस वन, बस और तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ तक, एक तो यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल ले लिया, दूसरा ये वाला पॉइंट लोड ले लिया। अब आपने क्या पता है, आपने पता है चूंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पर बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर रख दीजिए जीरो, बराबर कितना आ गया ये माइनस का, डिवाइड करेंगे तो 1.5 बचेगा बाई स्क्वायर, ठीक, प्लस में
9.375 बाई प्लस माइनस माइनस 9.375 इस तरह से। यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें से माइनस पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा कितना 1.5 बाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9.375 बाई और प्लस में हो जाएगा पीछे वाला ये 9.375, माइनस कॉमन ले लिया बस जीरो में चला गया वो। अब यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य मेथड से। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, रीज़न क्या था ना पूछने का, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है, लेकिन अगर फिर भी पूछ लेता तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो हम हर क्वेश्चन में निकालेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, अगर कोई इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस में सी बराबर जीरो होती है, तो हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स की वैल्यू माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, वाई की। तो हम वाई इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस बी, मतलब ये वाली वैल्यू है, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा ये, प्लस में कितना 9.375, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये आप खुद से कीजिएगा, टाइम बच जाएगा थोड़ा, ठीक है, प्लीज़ करके। तो जो भी वैल्यू आएगी कमेंट्स करके लिख दीजिएगा, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया था तो इसका आंसर यहाँ दे नहीं रखा है, मैं टाइम बचा रहा हूँ आपको। आप इतना कर सकते हैं ना, ये छोटा सा काम है, b की जगह हमने b वाली वैल्यू रख दी प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पर जितना भी आएगा, इसके बाद फिर माइनस लगाएंगे 4 इंटू में a और c की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर जितना भी आएगा, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a कर दीजिएगा, वैल्यू रूट के अंदर माइनस में आएगी तो साथ में i लिख देंगे, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, ठीक है, प्लस में आएगी तो अच्छी बात है। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था बट हमने फिर भी निकाल दिया है, तो इसको मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, ठीक है, आप खुद से निकाल लेंगे, इतने आप स्कॉलर्स हैं पहले से। तो इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हटा दें इसे। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरहैंगिंग बीम दे रखी है वो दोनों सिरों पर सपोर्ट से बाहर निकली हुई है, इधर से भी बाहर निकली है, इधर से भी बाहर निकली है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, केवल इस साइड का सिरा बाहर निकला हुआ था, और ये वाला जो सपोर्ट से बाहर निकला है इसका सिरा, ये 3 मीटर निकला हुआ है, इधर वाला 2 मीटर बाहर, 1 मीटर बाहर निकला है, और बीच में दोनों रिएक्शन के बीच की दूरी 10 मीटर है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपका किस तरह से दिया कि सपोर्ट से दोनों तरफ बाहर निकली हुई बीम है ये, ठीक, इसको समझते हैं। तो देखिए बिल्कुल सब कुछ इसमें सेम ही रूल रहेगा जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, एक चीज़ डिफरेंट आएगी, जब आप रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर मूवमेंट जब लेंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, रिएक्शन के मूवमेंट में बस उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा। चलिए सामने देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शंस। तो रिएक्शंस कैलकुलेट करने का रूल वही रहेगा, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स, या फिर आप सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो कर दीजिएगा। तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है, ऊपर की ओर एक तो आर ए लग रहा है, प्लस में दूसरा क्या लग रहा है, आर बी लग रहा है, बराबर में नीचे की ओर देखिए, नीचे की ओर क्या लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, 10 kN/m का लग रहा है, लेकिन पूरी बीम पर लग रहा है यूडीएल। तो यूडीएल में हम टोटल लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी है ये, 1, 10, 11 और 3, 14 से गुणा कर देंगे 10 में, तो 10 में 14 से गुणा करेंगे तो 140 kN आ जाएगा, ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ तक क्लियर। अगला फिर क्या करते हैं हम, सिग्मा एम ए बराबर जीरो करते हैं, सिग्मा एम ए बराबर जीरो। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा, अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ए वाला पॉइंट यहाँ होता था, अब ये पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको वैसा नहीं सोचना कि हम इस सिरे के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, सी पर ले रहे हैं, नहीं, हम मूवमेंट लेते हैं किसी भी एक सपोर्ट के अबाउट, सपोर्ट का मतलब रिएक्शन के अबाउट, या तो आप आर ए के ये ए पॉइंट के अबाउट लो, या फिर ये जो बी पॉइंट है इसके अबाउट, किसी भी एक रिएक्शन के अबाउट मूवमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम मूवमेंट लेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, और जब हम आर ए इंटू आर ए की दूरी लेंगे ए पर, तो वो जीरो हो जाएगी दूरी, तो आर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपका आर भी कैलकुलेट हो जाएगा, और आर भी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ रख देंगे तो आर ए आपको मिल जाएगा। इसीलिए इन दोनों में से ही किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे आप हमेशा, चाहे ये सिरे पर हो या बीच में हो, कहीं भी हो रिएक्शन, तो हमेशा किसी एक रिएक्शन के अबाउट ही मूवमेंट लेना, चाहे किसी भी टाइप की बीम क्यों ना हो, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, समझ पा रहे हैं। चलिए और एक और चीज़ आपको समझाते हैं, यहाँ पर मैं बोल रहा था आपसे रिएक्शन निकालते समय थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, तो ध्यान क्या देना है, जब हम इस ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पर यूडीएल तो लगा है पूरी लंबाई पर, लेकिन इस यूडीएल को दो पार्ट में बांट लेंगे, एक तो इस ए पॉइंट से इधर का यूडीएल अलग, और ए पॉइंट के बाद का यूडीएल अलग कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ए है, इससे इधर वाला जो यूडीएल है, इधर वाला ये वाला यूडीएल,
यूडियल ये नीचे की ओर ही लग रहा है, लेकिन ये बीम को कैसे रोटेट कराएगा, ऐसे है बीम और नीचे की ओर लग रहा है यूं, तो बीम ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज घूम रही है घड़ी की सुई की दिशा में, तो नीचे की ओर वाला फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है तो हम इसको माइनस लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इस रिएक्शन के इस साइड की बात करूं, इस साइड वाला मूवमेंट, इस साइड वाला, ये भी नीचे की ओर लग रहा है ऐसे, तो ये ऐसे घुमाएगा बीम को, ऐसे घुमाने का मतलब ऐसे घुमाएगा इस तरह से, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम प्लस में लेंगे। तो इसीलिए इस सपोर्ट से पीछे पीछे का जो आपका UDL है ये तो क्लॉकवाइज मूवमेंट उत्पन्न करेगा जिसे हम माइनस लेंगे, लेकिन इसके बाद ये भले ही नीचे को लग रहा है फिर भी क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाता है, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना, बाकी पूरा क्वेश्चन पिछले रूल से ही सेम करना है आपको, समझ पा रहा ना। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप मूवमेंट लेंगे, तो मूवमेंट लीजिए, सबसे पहले आपको डी से लेकर के ए तक का UDL देखना है, डी से ए तक का UDL टोटल लोड कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 11 मीटर दूरी है, तो 10 गुणा 11 माइनस का हो गया 110, माइनस का 110, ये तो टोटल लोड की वैल्यू आ गई, इनटू UDL हमेशा सेंटर पे काम करता है, हमने डी से ए तक का UDL लिया 11 मीटर तक का, तो 11 मीटर का सेंटर आधे पे हो जाएगा, 11 का आधा कितना होता है 5.5, यानी 5.5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो UDL का तो ले लिया हमने मूवमेंट। इसके बाद अब ये ऊपर की ओर R भी लग रहा है, ऊपर की ओर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको प्लस लेंगे, तो ऊपर की ओर है प्लस में ले लो RV, और RV से दूरी लेंगे कहाँ तक की, हम A तक की दूरी, इसमें आधी दूरी नहीं लेंगे क्योंकि RV तो पॉइंट लोड की फॉर्म में है ना ये, तो यहाँ से पूरी दूरी लेंगे 10 मीटर, 10 से गुणा कर दिया, दो ही लोड लग रहे थे इससे पहले, पहले एक RV लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक का UDL, दोनों आ गए। अब चलते हैं इस रिएक्शन से आगे की ओर, रिएक्शन से जैसे ही आगे जाएंगे तो उल्टा काम करना है आपको, रिएक्शन निकालते समय सपोर्ट से आगे जाते ही उल्टा काम करना है, नीचे की ओर वाला फोर्स है फिर भी प्लस में लेंगे, रीजन आपको बताई दिया, क्योंकि ये भी आपका क्लॉकवाइज, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जैसे आर भी घुमा रहा है इसको ऐसे, ये भी ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस में लेंगे, तो इसको भी प्लस में ले लीजिए। कितना है आपका ये UDL, कितना 3 मीटर तक का, यानी 10 गुणा 3 10 या 30 हो गया, तो प्लस में 30 आ गया, लेकिन लगेगा कितनी दूरी पर, ये आधी दूरी पर, 3 का आधा कितना होता है 1.5 मीटर, तो 1.5 से और गुणा कर देंगे इसमें, टोटल लोड इंटू सेंटर तक की दूरी, ये हो गया। एक और रह गया आपका ये वाला RA, तो RA इंटू दूरी तो 0 है इसकी, तो 0 कर दीजिएगा इसको, प्लस में RA इंटू दूरी 0, तो 0 हो गया, बराबर 0 कर दिया। यहाँ तक समझ आया, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का 0 से 0, 11 पंजे 55, 55 5 60, माइनस का 605, गुणा कर लीजिएगा अपने से आप, प्लस में ये 10 RB हो गया, इसके बाद ये प्लस में 30 का 1.5 गुना 45, ये तो 0 हो गया, बराबर 0, ये माइनस का 605 है, ये वाला 45 से प्लस का, तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 45, इसमें से घटा दो 600 में से 40 कम करेंगे आप, तो 560 प्लस में 10 RB बराबर 0, इसको इधर लाओ प्लस हो जाएगा इधर आके, तो 10 RB इक्वल टू आ गया 560, 10 से डिवाइड करो, RB की वैल्यू 56 आ गई, 56 किलो न्यूटन। केवल रिएक्शन भी कैलकुलेट करने को पूछ लेता है कभी कभी, 56 इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर, तो RA कितना आ जाएगा, RA 140 में से 56 घटा दो तो 84 बचेगा, 84 किलो न्यूटन, ये आ गया RA की वैल्यू। तो RA RB रिएक्शन सभी को क्लियर हुआ, ध्यान कितना रखना था, A तक का तो रूल सेम ही रहेगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, लेकिन जब जैसे आप A से आगे बढ़ेंगे तो नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मूवमेंट लेते समय, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना था आपको, केवल रिएक्शन के मूवमेंट में, जब आगे आप SFD VMD कैलकुलेट करेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें सेम रूल से चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए एक बार आप, मैं रफ कर देता हूँ इसको, रिएक्शन इनकी वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, RB जो हमारा निकल के आया है, RB वो आया है 56 किलो न्यूटन, एंड जो RA निकल के आया है, RA वो आया है 84 किलो न्यूटन, ठीक है, हटा दें। अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर SFD, लिख लीजिए कैलकुलेशन फॉर SFD, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बस, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सीख जाएंगे आप अच्छे से। कैलकुलेशन फॉर SFD, SFD के लिए कैलकुलेशन करनी है, बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, टिल पॉइंट डी से, इस सिरे से लिख दीजिएगा फ्रॉम RHS, रूल वही, ऊपर की ओर प्लस नीचे की ओर माइनस, ठीक है। तो डी पॉइंट पर टिल पॉइंट लिखेंगे पहले, शियर फोर्स टिल पॉइंट डी, टिल पॉइंट डी बेटा 0 है, इधर से कोई फोर्स नहीं, फिर शियर फोर्स एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी भी 0 है क्योंकि ऊपर से भी कोई फोर्स नहीं आ रहा डी पर,
अब आएंगे टिल पॉइंट बी, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का यूडियल, यहाँ से केवल एक मीटर तक का यूडियल ले रहे हैं, दस गुणा एक करेंगे, नीचे की ओर है माइनस में, टेन इंटू वन मतलब कि माइनस का टेन किलो न्यूटन। बेटा ये फोर्स है तो आधी दूरी से गुणा नहीं करेंगे, मूवमेंट में करते हैं आधी दूरी से गुणा, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो टोटल से करेंगे, 10 इंटू वन मतलब 10 किलो न्यूटन आ गया। जब मूवमेंट लेते हैं तो 10 इंटू में फिर 1 का आधा भी लेते दूरी, ठीक है। ये फोर्स है, सीयर फोर्स, तो यहाँ पर आधी दूरी से गुणा नहीं करते। टिल पॉइंट बी के बाद एट पॉइंट बी, सीयर फोर्स एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, टिल तो आ गया माइनस का 10, अब बी पर बेटा आर बी और आई ऊपर की ओर, आर बी ऊपर की ओर, आर बी और आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू 56 है, यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट आर बी की जगह पे वैल्यू 56। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 46, ठीक है, 46 प्लस का बचेगा किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आया। बी के बाद टिल पॉइंट ए, सीयर फोर्स टिल पॉइंट ए। देखो बी पर तो 46 ये हो गया, अब टिल पॉइंट ए का मतलब बी से ए तक का यूडियल और माइनस हो जाएगा नीचे की ओर है, तो 10 इंटू 10 टोटल लोड ये तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 10 इंटू 10, तो माइनस में 100 और हो गया, तो 100 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये आपका माइनस का 54 यानी कि 54 किलो न्यूटन, ठीक। अब एट पॉइंट ए, सीयर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा माइनस का 54, और प्लस में आर ए ऊपर की ओर है, आर ए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आर ए की, ऊपर की ओर था इसलिए प्लस लिया है, 84। तो बेटा कितना बचा, ये बच गया 30 किलो न्यूटन बचेगा प्लस का, ठीक है। इसके बाद ए के बाद आ जाओ टिल पॉइंट सी, यहाँ से यहाँ तक सीयर फोर्स टिल पॉइंट सी, तो 30 तो ये था, अब ए से आगे नीचे की ओर है, मैंने पहले ही बोला था रिएक्शन में सिर्फ ध्यान रखेंगे यहाँ से आगे का नीचे की ओर प्लस, यहाँ तो बाकी रूल यही रहेगा नीचे की ओर वाले सभी फोर्स नेगेटिव, तो यहाँ से आगे नेगेटिव लेना है आपको। कितना है, 10 है और लेकिन दूरी 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक के 10 गुणा 3 30 हो जाएगा, तो माइनस का 30 बराबर क्या आ गया 0। एंड फिर क्या लिखेंगे, सीयर फोर्स एट पॉइंट सी पर अलग से तो कोई फोर्स नहीं है, 0 ही रहेगा, यहाँ पर ऊपर या नीचे से कहीं से कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो 0 तो 0 ही रहेगा, 0 से चले 0 पर ही आकर रुक गए, मतलब सही है वैल्यू, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन एक बार आप नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए तो यहाँ पर बनाते हैं इसका डायग्राम, यहाँ बनाते हैं कितने कितने हैं लोड, ऊपर पॉजिटिव वाला 46 तक है, ठीक है हो जाएगा, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब बड़ा बना लीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। डी पॉइंट पर स्टार्टिंग में 0, इसके बाद बी पॉइंट पर पहले माइनस 10 है, फिर प्लस का 46 है, बी पर पहले माइनस 10 मान लो यहाँ तक है माइनस 10, माइनस का 10 किलो न्यूटन, इसके बाद फिर B पर कितना 46, इसका 4 गुना लगभग, मैं अभी के लिए यहाँ बना दे रहा हूँ, आर भी थोड़ा ऊपर लिख दो, मैंने बना दिया, यहाँ पर आ गया आपका 4 गुना अभी के लिए, ठीक है 46 किलो न्यूटन। B का काम खत्म, C A पर आ जाओ, पहले माइनस का 54 है, फिर प्लस का 30 है, पहले माइनस का 54 इस 46 से भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर माइनस का 54 लगभग यहाँ तक ले ले रहे हैं, ठीक है अभी के लिए माइनस का 54 किलो न्यूटन, फिर प्लस का 30 है, 46 से कम होगा, यहाँ मान लिया 30, कितना मान लिया 30 किलो न्यूटन, ठीक है। इस पर ये चीज़ समझ आ रही है। इसके बाद आगे, इसके बाद कितना है, सी पर 0 है, 0 कर दो, 0 सभी फोर्स हमने दिखा दिए, पहले इस पर 0, फिर नीचे को चलेंगे माइनस 10 था, 30 चलेंगे 10 से लगभग 4 गुना, अब स्केल से खींचना अच्छे से, 10 को 1 सेंटीमीटर खींचना, 46.6 सेंटीमीटर खींच देना, इसको 3 सेंटीमीटर खींच देना, इसको 5.4 सेंटीमीटर खींच देना, ठीक है इस तरह से खींच लेंगे, मिलाइए सभी को। UDL में SFD त्रिभुजाकार बनता है, BMD पैराबोलिक बनता है, तो ये त्रिभुजाकार बनेगा ट्रेंगल, पहले हमें कहाँ से 0 से कहाँ जाना है माइनस 10 पे, 0 से माइनस 10 पे आगे, फिर कहाँ जाना है माइनस 10 से 46 पे जाना है, माइनस 10 से 46 पे, इस पर चले जाइए, ये चलेगा इस पर, ठीक बहुत बढ़िया। 46 के बाद माइनस का 54 पर, माइनस का 54 ये रहा नीचे, इस पे आ जाइए, ठीक है ये आ गए, इस 54 के बाद फिर 30 पे, प्लस के 30 पे, ये रहा प्लस का 30, इस पे आ जाइए,
प्लस का 30, 30 के बाद फिर सीधे जीरो पर, जीरो पर आ जाइए। ये ओवरहैंगिंग बीम का SFD बन गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। मैक्सिमम शियर फोर्स 54 है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला 30 है, क्लियर हुआ। बेंडिंग मोमेंट तीन पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, एक तो इस वाले पॉइंट पर बी पर, एक ये नया पॉइंट है यहाँ देने रखा, निकालना पड़ेगा अलग से, एक यहाँ पॉइंट है ए पर, इन तीन पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेट करते हैं इसको, ज़रा नोट करिए, हम इसे रफ करने जा रहे हैं। चलिए अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर BMD, कैलकुलेशन फॉर BMD, रूल वही एंटी क्लॉकवाइज वाला, इधर को एंटी क्लॉकवाइज वाला प्लस, क्लॉकवाइज वाला माइनस, सेम रूल से चलना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए डी पॉइंट से, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, बेटा डी पॉइंट पर जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगा तो जीरो हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, वही रूल है, टिल वगैरह नहीं लेंगे, केवल एट लिखेंगे, टिल वही लेते अगर अलग से कोई और मूवमेंट लगा देता तो। बी, बी पर मूवमेंट, डी से बी तक का UDL आ रहा नीचे की ओर, डी से बी तक का UDL कितना है 10 × 1, ये तो टोटल लोड है, नीचे की ओर है माइनस में 10, डिस्टेंस कितनी लेंगे बेटा, हमेशा सेंटर पर लगता है तो 10 का ये 1 मीटर पर, तो सेंटर बीच में यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 का आधा यानी 1/2 पे लगेगा ये, ठीक है, UDL यहाँ तक का, और बाकी बी पॉइंट पर RB लग रहा है लेकिन दूरी जीरो हो जाएगी, तो वो RB × 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दे रहे हैं, तो कितना आएगा माइनस का 5 kN·m। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाओ बी के बाद किस पर, टिल पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट टिली एट, सीधे एट, यहाँ टिल नहीं होता कुछ भी, यहाँ सीधे एट लीजिएगा, एट पॉइंट ए, ए पर निकालेंगे तो ए ये वाला पॉइंट है, तो ए से पीछे पीछे तक का पूरा UDL, कितना UDL है ये 10 × 11 मीटर तक का, 10 × 11 110 हो गया, माइनस का 110 × डिस्टेंस कितनी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है, एक ये 10 है 11, 11 का आधा कितना होता है 5.5, तो 5.5 आधी दूरी लेते हैं UDL में मूवमेंट के लिए, ठीक। UDL पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक का, अब एक ये ऊपर की ओर RB बचा है, ऊपर की ओर RB इंटू ए तक की पूरी दूरी 10, तो RB × 10, RB की वैल्यू कितनी 56 × 10, बाकी ए पॉइंट पर RA और लग रहा है लेकिन इसकी दूरी जीरो है, तो RA × 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दे रहे हैं। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आया, माइनस का 605 हो गया ये, प्लस का 560 हो गया, कितना बचेगा, किसका ज़्यादा, माइनस का, तो माइनस का ही बचेगा, कितना बचेगा बेटा माइनस का 5 बचा, इधर 10 में 45 बचा ना, 45 kN, ठीक है, इंटू में मीटर। ए के बाद किस पर आएंगे आप, सी पॉइंट पर, सी पर आ जाइए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर और निकाल दीजिए बेंडिंग मोमेंट, सी पर कितना आ रहा है, सी पर निकालेंगे तो ये सी पर यहाँ से यहाँ तक का टोटल UDL, आप सी पर ले रहे हैं ना मोमेंट, तो पूरा का पूरा नीचे लग रहा है, तो क्लॉक वाइज आएगा, पूरा का पूरा आप माइनस में लेंगे, तो माइनस में कितना बेटा 10 × दूरी यहाँ से यहाँ तक की 14, तो माइनस 10 × 14, 10 × 14 140 हो गया, गुणा दूरी कितनी लेंगे आप, इस यहाँ से यहाँ तक के लिए 14 था, 14 का आधा होता है 7 ले लेंगे दूरी, यहाँ UDL पूरा ले चुके हैं आप, अब लेंगे RB इंटू में सी तक की दूरी, RB × 13 हो जाएगा ये, RB की वैल्यू लिख दो प्लस में ले लो, RB की वैल्यू 56 है, इंटू में 13, ठीक है। इसके बाद फिर ये RA ऊपर की ओर RA, तो प्लस में लेंगे इसे भी क्योंकि ऊपर की ओर है, RA की वैल्यू 84 इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 3 है, 3, और UDL हम ऑलरेडी एक साथ ले चुके थे, टोटल सभी फोर्स आ गए, इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस का कितना आएगा ये 0 × 4 = 7 2 हो गया, 7 × 7 = 2 माइनस 980 प्लस कितना हो जाएगा 56 × 13 13 × 6 = 78 7 हो गया 13 × 5 = 65 65 × 7 = 72 728 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 1 × 3 = 24 और 1 × 25 252 तो माइनस का 980 प्लस का 10 की 0 और 7 × 1 = 8 980 बराबर 0 ही आ गया पूरा 0 आ गया ठीक है आप कैलकुलेटर से सॉल्व करने इतना टाइम ही लगेगा आपको मैं कैलकुलेटर उठाता है इतने में तो हो गया सॉल्व ठीक है मैं पहले यहाँ पर वैल्यूज को शो कर देता हूँ एक बार यहाँ पर शो कर दे रहे हैं वैल्यूज को ठीक है देखिए यहाँ पर आपने निकाला बेटा 0 आया इस सिरे पर भी कितना आया 0 आया
बाकी आपने बी पर निकाला था, बी पर माइनस का 5 है, माइनस का 5 है तो नीचे आएंगे आप, मान लो यहाँ तक आगे नीचे, और ये कितना है माइनस का 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बी के बाद कौन सा रह गया आपका, बी पर लगा चुके, ए पर माइनस 45 है, ए पॉइंट ये वाला है, इस पर माइनस 45 मान लो लगभग 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 यहाँ तक, मान लो यहाँ तक दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है मैं ये समझ के लिख रहा हूँ यहाँ तक दिख रहा होगा, माइनस का कितना, माइनस का 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मैं देख लूँ नीचे दिख रहा है, हाँ बस ठीक है दिख रहा है, ठीक है थोड़ा हल्का सा ऊपर लिखने की आवश्यकता है, समझ लीजिएगा यहाँ पर माइनस का 45 है, लिख ही देते हैं आपकी सुविधा के लिए, माइनस 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद फिर इस पर जीरो हो गया, अब बीच में सिर्फ एक पॉइंट बचा ये वाला जहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, तो बेटा इस पॉइंट पर और कैलकुलेट करना होगा हमें, इस वाले पॉइंट पर और कैलकुलेट करना होगा कितना आ रहा है, इस पॉइंट को कुछ नया नाम दे दो, इस पॉइंट को क्या नाम दूँ, आप जो कहेंगे वो नाम देंगे हम, कैसे कहेंगे आप तो है ही नहीं पास में, खुद ही कह देते हैं, ए बी सी डी ई, क्या कह दिया इस पॉइंट का नाम, ई पॉइंट, ठीक है ये ई पर और कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार आप इसकी कैलकुलेशन नोट कीजिए फिर मैं ई वाले पॉइंट के लिए मिटा देता हूँ उसको, हटा दें, यस ई पर देख लीजिए, ई पर लिखेंगे उससे पहले एक लाइन, चूंकि एस एफ डी पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट, ये वाला कौन सा पॉइंट है, बी कोमा ये पॉइंट ई कोमा ये पॉइंट कौन सा, ए पर साइन चेंज कर रहा है, इसलिए इन पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो इनमें से हम ये पॉइंट जो था आपका बी, इस पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी पर माइनस 5 आया था, इस पे ए पे निकाल चुके हैं माइनस 45 आया था, अब केवल ई बचा है तो ई पर और कैलकुलेट कर लीजिए, एम ई निकाल दीजिए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, एम ई निकालने के लिए पहले आपको क्या लेना होगा, दूरी लेनी होगी बाहर वाले सिरे से, इस वाले सिरे से ई तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लो एक्स मान लिया आपने, कितनी एक्स दूरी है ये, इस एक्स दूरी पर मूवमेंट लीजिए, तो देखिए डी से लेके ई तक का यूडीएल कितना होगा बेटा, 10 है यूडीएल की वैल्यू, 10 इंटू में एक्स, नीचे की ओर है माइनस में, 10x तो हो गया टोटल लोड, और दूरी हमेशा आधी लेते हैं तो एक्स का आधा लेंगे, एक्स बाई टू, ठीक। इसके बाद ऊपर की ओर ये वाला और है एक आर बी, तो आर बी पॉइंट लोड है प्लस में लेंगे, ऊपर की ओर है, आर बी की वैल्यू 56 थी, ठीक है पीछे हटा चुके हैं उसको, 56 थी आर बी की वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी लेंगे क्योंकि ये पॉइंट लोड है, यहाँ से बी से ई तक की दूरी, बी से ई तक की दूरी क्या है, ये एक्स था, इसमें से पीछे वाला एक मीटर निकाल दो, तो ये एक्स माइनस वन बचेगा, इधर का एक्स माइनस वन बच गया, इसको सॉल्व कीजिए, तो एम ई बराबर माइनस में ये 5 बचेगा, 5 बार कट जाएगा ना, माइनस में 5 एक्स स्क्वायर प्लस में इधर बचा 56x माइनस में 56, एक इक्वेशन बना दिया आपने ये। इसके जस्ट बाद क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं हम, तो सॉरी डिफरेंशियल करते हैं, डी एम अपॉन डी एक्स, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा तो माइनस का 10x हो गया, प्लस का ये 56 हो गया, बाकी इसका 1 और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको चूंकि हम जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डी एम अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखना होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के परिवर्तन की दर शियर फोर्स के बराबर होती है, और इस पॉइंट पर शियर फोर्स यहाँ पर 0 है, 0 रख दिया, इसको 0 रखिए, बराबर माइनस का 10x प्लस का 56, तो इसको इधर ले गए आप तो 10x बराबर कितना आ गया 56, डेट मीन्स x बराबर आ गया 5.6 मीटर में दूरी है ये, x मिल गया आपको, इस x को पुट कीजिए जो आपने इक्वेशन ऊपर बनाई है इसमें, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पर मिल जाएगा, कितना आया माइनस का 5, और ये आ जाएगा कितना आपका 5.6 का स्क्वायर प्लस 56, एक्स की जगह पर 5.6 माइनस में 56, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है ये कैलकुलेटर की हेल्प से, कितना है बेटा 5.6 का तो स्क्वायर है जो कि 31.36 आया, इंटू में 5 है ये, तो माइनस का 156.8 हो गया, माइनस का 156.8 हो गया। इसके बाद प्लस में कितना है ये
56 गुणा 5.6, ठीक है, फिर माइनस में 56, 100.8 आ गया प्लस का, 100.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इसको लगा दीजिए, 100.8 45 का दो गुने से भी ज़्यादा, जितना ये लिया है ना इसके, ये पाँच को थोड़ा कम कर देना, यहाँ तक ले लो, इसके दो गुने से ज़्यादा लीजिए, मान लो लगभग मैं यहाँ तक ले ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो भी आपने स्केल माना होगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर। बनाइए डायग्राम, हम निकाल चुके हैं इसको भी, अब डायग्राम देखिए कैसे कैसे। पहले इस पॉइंट से इस पाएंगे बेटा, यू डी एल है पूरी बीम पर, पैराबोला बनेगा, ठीक है, कर्व बनेगा, कर्व, तो पैराबोला यहाँ तक ले लो, कर्व जानते हैं सभी, ऐसे बनाते हैं कर्व मोड़ते हुए, यस ये बन गया, ठीक। इसके बाद यहाँ से इस पाएंगे, कर्व की फॉर्म में आना है ऐसे बेटा, कर्व बनाइएगा, ठीक, मतलब कर्व बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कर्व, यस ऐसे ही इस पर भी कर्व बनेगा, ये लाइन सीधी है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचिएगा ना, ताकि गलती ना हो, आप स्केल से बनाइएगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर आ गए तो ये भी एक कर्व बनेगा, ठीक, बहुत बढ़िया, इस तरह से, वेरी गुड, सेम इधर भी, आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी, आप सही से बनाइएगा, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कर्व, यस ठीक है, हो गया, ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका ये है, जो कितना था, 100.8, ये बन गया इसका बीएमडी। इतना समझ आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद अब आपको यहाँ पर दो जगह साइन चेंज हो रहा है, एक तो यहाँ चेंज हो रहा है साइन, एक यहाँ चेंज हो रहा है। इसको कह दीजिए कोई सा 1 2 मान लो, इसको मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, या आप उसको 1 इसको 2 मान लेना, कोई सा मान लो। यहाँ पर आपको दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर मिले हैं, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि इसका एस एफ डी बी एम डी बनाइए और बताइए कि इसमें कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल देंगे 2 मिल रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम थोड़ा आँखों को रिलैक्स दिलाएं, आँख बंद करके एक सेकेंड, चलिए हटा दें ये। अब मैं आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर और निकलवा दे रहा हूँ, उसके बाद ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, अगर मैं आपको स्टेप बाय समझाते चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इतना बड़ा क्वेश्चन मुश्किल ही कोई कराएगा आपको यूट्यूब पर, फिर भी मैंने कर दिया ताकि हमारे बच्चों को कैसी भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए आपको ये निकालना है N1, तो हमने आपको बताया है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर N1 है, इसको ऊपर ले जाओ, पॉइंट लगाते हो ऐसे डैश डैश, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर 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 बीम पर, यहाँ पर ले गए आप, यहाँ पर कौन सा N1 पॉइंट, और आप मान लो ये जो पॉइंट है इस साइड से कितनी दूरी पर है, ये Y1 दूरी पर, क्योंकि दो पॉइंट है ना, एक होता तो बाई मानते, दो पॉइंट है, ये वाला भी है, इसको भी ले जाओ ऊपर, इसको भी ले जाओ ऊपर, यस यहाँ पर, और ये पॉइंट मान लो दिख भी रहा है यहाँ तक, पर ये हटा रहा हूँ मैं 10 वाला, इधर जो लिखा उस साइड लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, जो आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ था, और ये आ गया आपका यहाँ पर कौन सा पॉइंट, N2 पॉइंट, और ये जो दूरी है बिल्कुल बाहर वाले सिरे से ही लेना बेटा जी, बाहर वाले सिरे से, यहाँ से यहाँ तक कितना है, Y2, और ये वाला था आपका Y1, ये कहाँ तक था, यहाँ तक, ठीक है, समझ जाएंगे ना आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार देख लें, एक तो देखने की दिक्कत है ना इसमें, पता नहीं स्क्रीन में आ भी रहा है या नहीं, चलो थैंक गॉड दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों आपको शो करने हैं, इस साइड से ये पहला वाला ले लेना Y1 डिस्टेंस पर, ये तो हो गया ये वाला पॉइंट Y2 डिस्टेंस पर, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ये तो ले लेना ये वाला Y2 डिस्टेंस पर, और ये नीचे वाला ले लिया आपने Y1 डिस्टेंस पर, अब दिख रहा है, उम्मीद करते दिख रहा होगा। तो मतलब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से Y1 की और Y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल सिंपल है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस N1 पॉइंट पर निकालना है और N2 पॉइंट पर, तो यहाँ लिखेंगे आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा, बस 5 मिनट और लेंगे, कॉन्ट्रा फ्लेक्जर,
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालेंगे आप, चलिए निकालिए, यानी हिंदी में आप नति परिवर्तन बिंदु कह दीजिएगा इसको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन वन पॉइंट पर मूवमेंट, एम लिख करके और यहाँ नीचे एन वन लिख दीजिएगा, एन वन पॉइंट पर मूवमेंट, एन वन पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से, डी से एन वन तक का यूडीएल, यूडीएल कितना आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 और दूरी कितनी है बाई वन, नीचे की ओर है माइनस में लेंगे 10 बाई वन, और हमेशा ये तो टोटल लोड की वैल्यू है और यूडीएल आधी दूरी पर लगता है, तो डी से एन वन तक का बाई वन दूरी थी, तो बाई वन का आधा कर दीजिएगा बाई वन बट्टे दो, ठीक है आगे। इसके बाद आपके ऊपर को इस एन वन पॉइंट से पहले रिएक्शन भी है ये वाली आर बी, आर बी इंटू एन वन तक की दूरी, आर बी प्लस में लेंगे, आर बी की वैल्यू 56 थी इंटू, और यहाँ तक की आर बी से एन वन तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से और यहाँ तक वाई वन था, इसमें से पीछे का ही एक मीटर कम हो जाएगा, तो वाई वन माइनस वन हो जाएगा, वाई वन माइनस वन, ठीक है। इसको लिखिए एम एन वन बराबर, ये पाँच बार कटेगा तो माइनस का फाइव आ गया वाई वन का स्क्वायर, प्लस अंदर गुणा कीजिए 56 वाई वन माइनस में 56, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, चूँकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर पर बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो, कितना होता है बेंडिंग मोमेंट, जीरो होता है, तो यहाँ जीरो रख दीजिए, बराबर माइनस में 5 बाई वन का स्क्वायर प्लस 56 बाई वन माइनस 56, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो आ गया 5 बाई वन का स्क्वायर प्लस में 56, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया 56 बाई वन, ये प्लस हो जाएगा 56 बराबर जीरो, ठीक है ये निकल गया इतना। इसके बाद क्या करेंगे आप, श्री धराचार्य का फॉर्मूला, कौन सा, श्री धराचार्य विधि या सूत्र, जो भी लिखना चाहे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, आपको पढ़ा रखा है, तो बाई वन की वैल्यू क्या है कि माइनस बी, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा ये 56, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, मतलब माइनस के 56 का स्क्वायर माइनस के 56 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा, माइनस में 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 5 है इंटू सी की वैल्यू 56 है अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको कैलकुलेटर की हेल्प से, बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना, मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बारी कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले रूट के अंदर का सॉल्व करना, पहले बिना रूट के टाइप कर दो उसको, स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 56 लिख दो सिर्फ, 56 का स्क्वायर किया आपने, बीच में माइनस है माइनस कर लो, फिर ब्रैकेट लगा देना बेटा 4 × 5 × 56, ब्रैकेट कर लीजिए बंद, ये 2016 आ रहा है रूट के अंदर वाला, अब यहाँ रूट लगाना और आंसर दबा करके 2016 इसके अंदर आ गया, बराबर कर देना, तो 44.899 आ रहा है अंदर का, ये कितना आ रहा है 44 पॉइंट, ये वाली जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर के पूरा सॉल्व होके 44.899 इस तरह से आ रहा है, ठीक। अब एक बार प्लस लेके यूज कर लो, एक बार माइनस लेके, तो एक बार मैं प्लस लेके यूज कर रहा हूँ, जब मैं प्लस लगाऊंगा यहाँ पर और लिखूंगा कितना 56, तो प्लस के साथ 100 हो गया, ये 100.899 बट्टे में 10 कर दूंगा, इसमें डिवाइड में 10 कर दिया मैंने, तो ये 10.08 आ रहा, मतलब 10.1, एक तो वैल्यू आ गई 10.1, ठीक। दूसरी बार मैं माइनस लेके करूंगा, तो यहाँ कितना था मेरा 44.899, माइनस ले लेंगे और कितना 56, फिर डिवाइड करेंगे आप इसमें कितने से, डिवाइड करेंगे 10 से, तो माइनस का 1.11 आ रहा है, माइनस का आ रहा है लेकिन माइनस साइन छोड़ देते हैं, तो 1.1, एक बार इतने मीटर, एक बार इतने मीटर। अब आप खुद देख के बताइए मुझे कि y1 जो हमारी वैल्यू है कितनी होगी, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो 1.1 सही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है y1, तो 1.11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये पहला नति परिवर्तन बिंदु आ गया जो डी सिरे से 1.11 मीटर दूरी पर है, लिख दीजिएगा क्या, डी सिरे से 1.11 मीटर दूरी पर है पहला नति परिवर्तन बिंदु। अब पहला निकल गया, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम निकालेंगे, देखो कैसे, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए दूसरा निकाल रहे हैं हम, यानी N2 के अबाउट लेंगे बेंडिंग मोमेंट, N2 ये वाला पॉइंट है, बट अब फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से डी से और यहाँ तक का यूडीएल 10 × y2 दूरी, तो 10 × y2 दूरी, और आधी दूरी पर लगता है तो y2/2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर ऊपर की ओर प्लस में ये क्या है आरबी, ऊपर की ओर है आरबी, आरबी इंटू में यहाँ तक की दूरी N2 तक की, तो आरबी की वैल्यू 56 थी, 56 ले ली, और N2 तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस बाई टू में से पीछे का एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा बाई टू माइनस वन, ये बाई टू हो जाएगा माइनस वन, पूरा सेम आता है, बस बाई वन की जगह बाई टू हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ वन लिखा है सब जगह बाई टू कर दीजिए, बाई टू यहाँ भी, बाई टू बाई टू यहाँ भी, बाई टू यहाँ भी, बाई टू और यहाँ भी बाई टू, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब दूसरा पॉइंट देखिए,
आंसर सेम यही आएगा कैलकुलेट करके। अब दूसरा पॉइंट, ये वाला जो एन टू पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 1.1 होगा या 10.1 होगा, तो ये होगा आपका 10.1 पर, तो जो एन टू है वो आ जाएगा 10.1 पर। दो वैल्यू निकलेंगी इस तरह से, पहली वाली वैल्यू कम वाली जो है वो पहले पॉइंट की आ गई, ज़्यादा वाली जो वैल्यू थी वो दूसरे पॉइंट की आ गई। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एक बार अपने हाथ से इसको नोट करके और दोबारा से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इससे ज़्यादा टफ आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है? हालांकि पूछेगा तो इतने हार्ड लेवल का भी नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता। ऑलरेडी 40-50 मिनट में अकेला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको एग्जाम में कि आप एक क्वेश्चन को इतना टाइम दें। और 5 नंबर से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, देगा भी ओवर हैंगिंग का तो बहुत सिंपल देगा, फिर भी आपसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर हो सकता है, ना पूछे, ठीक है? अगर एग्जाम में देगा तो पूछेगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी और प्रैक्टिस करना अच्छे से, टाइम बचे तो करना, अदरवाइज स्किप कर देना, दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे इसकी जगह पे। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं और बहुत जल्द अगला पार्ट लेके आऊँगा मैं आप सबके बीच, क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कोर्स कैसे होगा, हमारे एग्जाम है जनवरी में, ये वो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लें आप, मैं जल्दी जल्दी लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आपको। अब जल्दी ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आने वाले एक हफ्ते के अंदर। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।